गालियों की ये बौछार खाकी पर है। ये गालियाँ हम आपको सुना तो नहीं सकते, लेकिन समझा जरूर सकते हैं कि खाकी के इकबाल की कहानी आखिर आम आदमी पर बेवजह लठ बरसाने वाली खाकी यहाँ पर मौन क्यों है। जबरदस्ती मैं शराब पी ली साहब, ठीक है, पूरी बार अकन पड़ी, मैंने वीडियो पड़ी और गया, रिश्वत गिलवाई थी। समझा सकते हैं आम आदमी पर अपना रुतबा झाड़ने वाली खाकी आखिर ये गालियाँ क्यों खा रही है। समझा सकते हैं इन गालियों के पीछे छुपे गुस्से को, इस वीडियो के पीछे छिपी खाकी की लाचारी को। ये सब समझने से पहले ये पूरा वीडियो आप देख लें। अब इस गालीबाज शराबी और खाकी की करतूत आपको समझा देते हैं। दरअसल वीडियो जोधपुर का है। ये गालीबाज शराबी ट्रक चालक आरोप लगा रहा है कि बजरी से भरे ट्रक पास करवाने की एवज में पुलिस घूस लेती है, और ऐसी ही घूसखोरी का एक वीडियो भी उसके पास है जो इन्हें बेनकाब कर देगा। जबरदस्ती मैं शराब पी ली साहब, ठीक है, पूरी बार अकन पड़ी, मैंने वीडियो पड़ी और शराब आ गया, रिश्वत गिलवाई थी। बीच सड़क पर हंगामा बरपा रहे शराबी ट्रक चालक का ये कहना भर था कि वहाँ मौजूद पुलिस कर्मियों ने चुप्पी साध ली, शायद पोल खुलने का डर सताया होगा। खाकी के गिरे इकबाल ने इस शराबी चालक की हिम्मत को और बढ़ा दी। काफी देर तक हाथ में एक लकड़ी लिए यह पीछ सड़क पुलिस को धमकाता रहा। सड़क पर ही बजरी से भरा डंपर भी खाली कर दिया, लेकिन पुलिस बोले भी तो आखिर कैसे। मुंह पर नोटों की चेपी जो लगी थी। इतना ही नहीं, इसने आरोप लगाया कि जानबूझकर उसे शराब भी पिलाई गई। जोधपुर की सड़क का ये वीडियो कई सवाल खड़े करता है। आखिर शराबी की गालियां खाकर पुलिस चुप क्यों है? आम आदमी पर बेवजह कहर बरपा देने वाले पुलिस वाले गाली क्यों खा रहे हैं? क्या वाकई में ये शराबी चालक सच बोल रहा है? क्या वाकई में ट्रक पास करवाने की एवज में रिश्वत ली गई? अगर रिश्वत नहीं ली तो पुलिस वाले चुप क्यों है? सड़क पर बजरी खाली करने वाले पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं? सवाल बहुत सारे हैं। पुलिस वालों की खामोशी अपने आप इन सवालों के जवाब दे रही है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि इन पुलिस वालों पर लगे आरोपों पर जांच होगी। आरोपों में अगर सच्चाई है तो इन पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी। भवानी भाटी, जी मीडिया, जोधपुर।